हेलो जी, राधे राधे जी। तो गाइज, ये सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी चाय, और चलते हैं अंश को देने क्योंकि उसने जाना है कॉलेज। वो तैयार हो रहा था और कह रहा था मम्मी चाय बना दो, वो नाश्ता नहीं करता है, बिस्किट ही खाता है। और गाइज, उसके बाद फिर ये दोपहर का टाइम था, मैं बना रही थी ताकत के कैप्सूल की सब्जी, और देख लीजिए जी क्या ताकत के कैप्सूल है। और फटाफट से मैं यहाँ पर जो है मसाले को भून लूँगी, और बस जी यहाँ पर सारे जो सूखे मसाले हैं, कुछ तो मैंने उबलती हुई दाल में डाल दिए थे, मीन्स राजमा में, और कुछ मैं तड़के में डाल दूँगी। और बस जी फिर मैंने टेस्टी से जो है राजमा सिंपल से तैयार कर दिए थे दिन के खाने में। प्याज भुन चुके हैं, इसमें मैं ये मसाला डाल दूंगी, और साथ ही डाल देंगे लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट, और इसको अच्छे से जो है मैं पकाऊंगी। और उसके बाद फिर गाइज, मैं यहाँ पर आप सबको हेलो बोल रही थी कि चलो थोड़ी सी मैं भी व्लॉग में आ जाऊँ, वरना फिर सब बोलते हैं आप तो आए नहीं। और बस गाइज, फिर यहाँ पर मैंने जो है राजमा बना दिए थे, और इसके साथ बनाए थे चावल, फुलके और सलाद था, और गर्मी तो बस पूछो ना। और यहाँ मुझे लग रहा था किसी ने आवाज़ लगाई है बाहर, लेकिन कोई था नहीं, और मैं देखकर जो है चली गई थी। और गाइज, यहाँ ना एक दूध का पतीला मैं खाली कर रही थी कि दूध मैं फ्रिज में रख दूँ ये, लेकिन जब मैंने दूध को लोटे में डाला तो नीचे उसके मकड़ी मरी हुई थी, ये देखिए दूध के अंदर। वो तो शुक्र है मैंने दूध को लोटे में डाला, मुझे पता लग गया, वरना हम लोग यही वाला दूध पी लेते, यूज़ करते। ये देखिए ये मकड़ी है जी। और मैंने पहले एक बार सोचा कि ऐसे ही पतीला जो है दूध का फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं, लोटे में डाल के रख लेती हूँ, दूध कम है पतीला बड़ा है, लेकिन वो अगर मैं ऐसे रख देती तो ये दूध हम पी लेते क्योंकि पता ना चलता। तो अब मुझे पता चल गया है तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, ना अपनी हेल्थ के साथ ना अपनी फैमिली के साथ। और मैं इस दूध को जो है गिरा दूँगी क्योंकि हम यूज़ नहीं करेंगे, चाहे ये 1 किलो दूध दो भी होता ना, मैं तो भी इसे गिरा देती, क्योंकि अपनी हेल्थ सही है तो सब कुछ ठीक है, और नहीं तो नहीं। तो इसको जो है मैं गिरा दूंगी, ये 1.25 किलो दूध था, कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। देने को मैं किसी जानवर को, डॉगी को या किसी को भी दे देती, लेकिन नहीं, उनकी भी तबीयत ख़राब होती, तो मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकती, इसलिए मैंने जो है ये दूध गेर ही दिया था। और गाइज, उसके बाद फिर जो है मैं बनाने लग गई थी फुलके, और साथ साथ मैं सलाद भी कट कर रही थी। चावल और राजमा जो है बन गए हैं, और मेरे पति देव चावल नहीं खाते हैं, वो फुलके खाते हैं, उनके लिए मैं फुलके बनाती हूँ, और एक फुलका मैं अपना बनाती हूँ। और फटाफट से जो है मैंने यहाँ पर खाना बनाया, और खाना बहुत टेस्टी मतलब बना था, राजमा ये भी बने थे, ऐसा मेरी फैमिली बताती है जो खाते हैं खाना। और बस जी लो, मैंने आप लोगों के लिए भी प्लेट लगा दी है, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, राजमा चावल, फुलके, सलाद और साथ में लस्सी, और ये मेरी प्लेट थी। और इसके बाद गाइज, फिर मैं गई थी रसम पगड़ी में, हमारे यहाँ पर एक अंकल जी पूरे हो गए थे, उनकी रसम पगड़ी थी, मैं उसमें गई थी। हेलो एवरीवन, तो ये टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, और मैं जो है सोकर उठी हूँ अभी, और दोपहर को खाना वाना खाने के बाद जो है मैं गई थी एक में रसम पगड़ी थी, और बस वहाँ से 3 बजे आने के बाद फिर मैं जो है सो गई थी, और अभी सोकर उठी हूँ और अब बनाते हैं चाय, तो मिलते हैं आपसे चाय बनाने के बाद। और गाइज, यहाँ पर ना आरब और पिया और गए थे खाटू श्याम वगैरह सारे तीर्थ पर मतलब माथा टेकने, तो ये उनके घर से प्रसाद आया था, आप लोग भी खा लीजिए। और ये काफ़ी तीर्थ का प्रसाद है, और मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन इतना आया कि खाटू श्याम बालाजी वगैरह का प्रसाद है ये, और आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, फिर मैं जा रही थी सिद्धिओर की शॉप पर, मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, ये सिद्धिओर का घर है, और आगे मुझे सिद्धि मिल ही गया था, तो फिर मैं उनकी शॉप से थोड़ा बहुत जो है सामान लेकर आई थी। और बस मैंने कहा चलो छोटा सा ये भी कैप्चर कर लेते हैं व्लॉग, और बस जी तो मिली है सिद्धि से, यहाँ पर मुझे सिद्धि मिल गया था। फ्रंट कैमरा करो। तो गाइस देखो, हम ना इधर से निकल रहे थे और मुझे सिद्धि मिल गया, और सिद्धि नचदा पे है, इतनी खुशी मेरे आने की, ओ माय गॉड, इतनी खुशी और क्या।
बड़े बड़े व्लॉगर आए हमारे मोहल्ले में, नाचना तो बनता है ना। हाँ, फिर वो आरती उरती की थाली लेके खड़े हो वो बाहर, बस अभी घर जाने की आशा नहीं। मम्मी को फोन कर दे, कहते मम्मी आरती की थाली तैयार करो। हम जा रहे हैं हमारे पार्लर में और मैं हूँ सिद्धार्थ शर्मा। और देखिए अभी हम जा रहे हैं, ऐसी रोड पे चढ़ गए पार्लर। अब आपने गाइस अब ना सिद्धि मेरे को ऐसा बना देगा पहचानो के भी लट्टा बंद करके सी गए हो। हाँ, चाबी और मम्मी लेके आएगी। तो गाइस हम आ गए हैं, तू बना दे। ऑलरेडी कोई नहीं है, गला हूं बना दे। हेलो गाइस, मैं हूँ सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धि। और हमारी शॉप पे कौन आया? अभी हमारी शॉप पे आए काजल आंटी, तो आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, और आप मेरा व्लॉग बना रहा है सिद्धि, और आपको पता ही है जब मैं आती हूँ तो सिद्धि बनाता है। और अभी हम इनकी शॉप के अंदर जाएंगे तो सिद्धि हमें कैप्चर करेगी, कैप्चर करेगी हमें। और हम आंटी हमारी शॉप पार्लर में आए हैं और हमारी शॉप भी है, चूड़ियाँ वगैरह लेंगे ये। तो अभी चाबी मम्मी लेके आएगी ना, तभी तो बाहर खड़े हैं, वरना मैं खोलना से आगे है। तुम्हारे माता श्री आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे भरत मिलाप होएगा, काजल एंड ममता मिलाप। पर आप ममता मैडम आ चुके हैं, देखो मिलो भाई मिलो, वो आ चुके हैं। तो गाइस ये मिल रहे हैं, मिलाप हो रहा है मेरी मम्मी और यहाँ पे लोग इन्हें देख रहे हैं। अभी मम्मी दुकान खोल रही है। यस, कितनी कंजूसी। अभी आपको अंदर एक लटकी हुई चुड़ैल दिखाई देगी। चुड़ैल 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 देखिए, अभी नेरा है, अभी लाइटें ऑन हो जाएंगी। सर ये देखिए, तो गाइस ये कितने कंजूस लोग हैं, देख लो एक भी लाइट ऑन नहीं थी, बिल्कुल ही है, आई नहीं थी। तो गाइस अब मैं यहाँ पर लेनी है प्लेन चूड़िये, तो मैडम जी हमें प्लेन चूड़िये दिखा दो, मैं हरून ही दिखा दो, दो छह साइज। अच्छा, जहाँ की मैं मेकअप करता हूँ, यहाँ मैं मेकअप करता हूँ, यहाँ बैठ के हम मेकअप करते हैं। बिकॉज आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट। और देखिए मेरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है सारा का सारा, बिकॉज मेरे पास एक ब्राइडल आई थी अभी। मैंने यहाँ से जो सामान लेने आई थी मैं वो ले लिया, और वो इसमें है, बाकी दिखाया तो है नहीं मैंने क्या है, पर इसमें सामान है। और अब हम चलते हैं, आप भी चल रही हो? हाँ यार चल रही हूँ, चल। और ये हमारे साथ ही सीईओ होंगे एयरपोर्ट पे, अभी थोड़ा इनकी वेरिफिकेशन चल रही है शॉप की, उसके बाद हम लोग सीईओ करेंगे। और ये अंधेरा शक्ल अगर बूम बूम हो जाएगा डिस्को लाइट ये नहीं बंद करना, करनी है देसी जुगाड़ है। तो गाइस सिद्धि ने यहाँ पर स्टंट मारा और अभी ये कर रहा है अपनी केड़ी है जूस वाली। अच्छा वो खुली है। तो गाइस यहाँ पर ब्रदर्स फ्रेश जूस एंड जूस की शॉप जो है ओपन हुई है, आप भी आएँ ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिए। और सिद्धि और की शॉप पे भी आएँ, ये सिद्धि और का पार्लर है और ये शॉप है। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, चलो चलो तुम आओ दोनों बाय बाय। आ रहे हैं पैदल दोनों और वो आ रहे हैं बाइक पर, और मैं रोड पे वीडियो बना रही हूँ, रोड चल रहा है ये, दिखाती हूँ आपको। अंधेरा हो रहा है, ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है। चलो सड़क पार करिए, बच्चो बच्चो बच्चो। और गाइस हम भाग भाग के सड़क पार कर रहे हैं, हाँ हमें। और ये साईं बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे, और अंशुल और आ रहे हैं पीछे पीछे, अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये पीछे पीछे आ रहे हैं दोनों। और ममता ने चढ़ंगी लगा ली लेट हो चुकी है ना। हाँ आज मैंने दो हफ्ते की नहीं करी घर को, अब करना आराम से। हाँ, जय हो साईनाथ महाराज की और ये साईं बाबा का मंदिर। और मिलते हैं आपको आगे घर जाने के बाद। तो गाइस वो लाया हमारे लिए शिकंजी भी बना के,
और ये बनाई है कृष्णा ने, तूने नहीं बनाई ये, तू लेके आया है। हम तो गोलगप्पे खा गए हैं अभी। ओह वेरी गुड वेरी गुड। हां ममदा पैक मारेगी फिर। एक मेरा अनु सबर नहीं है, बैग के पी ले। आप पहले पी के दिखाओ कैसा बनाया मेरे बेटे ने। गाइस कंजीवी तो बहुत टेस्टी बनाई है कृष्णा ने। अब लेकिन कृष्णा अंदर है, वो देखिए किचन में दिख रहा होगा आपको। कृष्णा वहीं से देख रहे हैं, कृष्णा वहीं से देख रहे हैं हमें। बड़ा शर्म होता है, मैं कह रही हूं कृष्णा ने बहुत टेस्टी शकंजवी बनाई है गाइस। अगर आप लोगों ने पीनी है तो इनके घर आ जाना, कुछ लोग तो जानते ही होंगे इनको। क्या तो रही हूँ, जूस की दुकान के साथ शकंजवी भी खोल लो। दूल्हे राजा उधर नाराज है कुछ ममता से, और ये दुल्हन इधर है, और अब हम चलते हैं। तो चलो जी बाय 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 गाइस, मिलते हैं आपको कल। मर्चे लेने आएंगे ये, कल हमारे घर आएगा ना तब हम इसके साथ व्लॉग बनाएंगे। यस ठीक है, बाय बाय। चलो बाय 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 जी। चलो जी बिल्कुल जी, थोड़ा मैसेज दवांगे, ऐसी चिंता नहीं करनी। व्लॉग के बीच कैप्चर हो गया, वो आप ही देख लेगा। चलो बाय बाय बाय। तो निकलते हैं गाइस अब हम घर के लिए, और सामान ले लिया है। तो हेलो एवरीवन, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और खाना पीना हमारा हो गया है। मैं घर आ गई थी तो मैंने कहा चलो वीडियो का जो है एंड कर देते हैं, और मैं अभी आई हूँ नहा कर, इसलिए मेरा फेस जो है गीला लग रहा है। तो गाइज मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी, गुड नाइट एंड राधे कृष्णा।